वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास नाइन्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं, उनके जो SI मात्रक होते हैं, SI यूनिट होते हैं, या उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये वीडियो हमारा बहुत ही यूनिक है और हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में जो नाइन्थ क्लास के जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, फिजिक्स वाले चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, उनको एक जगह समराइज किया जाए ताकि बच्चे इजिली उसको लर्न कर सकें। ये देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज, सिंबल, SI यूनिट, फॉर्मूला और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। फिजिकल क्वांटिटीज को हिंदी में भौतिक राशियां कहते हैं, सिंबल को प्रतीक कहते हैं, SI यूनिट को SI मात्रक कहते हैं, फॉर्मूला को सूत्र कहते हैं, स्केलर और वेक्टर को हम अदिश और सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, या कहें तो अदिश या सदिश राशि के लिए हमने अलग अलग वीडियो बना रखा है जिसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं और जिसकी हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती है, या हिंदी मीडियम वालों के लिए कहें तो कौन सी जो राशि है वो अदिश राशि होती है, कौन सी सदिश राशि होती है। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, तो आप हमारे चैनल पर आकर वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमने पहली अपनी फिजिकल क्वांटिटी ली है या भौतिक राशि ली है वो है डिस्टेंस। हिंदी मीडियम वालों स्टूडेंट्स के लिए हमने इसमें हिंदी फॉन्ट यूज किया है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश फॉन्ट यूज किया है ताकि कोई भी इस वीडियो को देखकर समझ सके, मीडियम की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप देखिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस को यहाँ दूरी लिखा है। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है S, स्मॉल S। जो इसका SI यूनिट होता है वो होता है मीटर, और अदर यूनिट्स भी होते हैं इसको, जिनको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया है। जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में हो वो अदर यूनिट्स हैं, SI यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ये अदर यूनिट्स हैं किसके, डिस्टेंस के, दूरी के। फॉर्मूला जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होता है, जो कि आपको याद करना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये कैसी राशि है, ये स्केलर राशि है, अदिश राशि है, जिसके अंदर सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है टाइम, समय। प्रतीक इसका होता है स्मॉल टी, SI मात्रक होता है सेकेंड, अदर जो यूनिट्स हैं वो होते हैं आर, मिनट्स। टाइम जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कैसी राशि है, ये भी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यमान, मास। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, कहें तो प्रतीक इसका स्मॉल m होता है, SI मात्रक किलोग्राम होता है, ग्राम और मिलीग्राम इसके अदर यूनिट्स होते हैं। और ये राशि कैसी होती है, ये राशि होती है स्केलर, अदिश राशि होती है, स्केलर मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। यहाँ जो हमने फर्स्ट क्वांटिटी देखी है, ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे लेंथ हो, एरिया हो, हाइट हो, एम्पलीट्यूड हो, वेवलेंथ हो, ये सारे लेंथ में ही आ जाएंगे, डिस्टेंस में ही आ जाएंगे, और उनका यूनिट जो होगा वो मीटर ही होगा।
नेक्स्ट अगर मैं आपको टाइम के बारे में बता दूं तो टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव टाइम नहीं होगा। मास के अगर बारे में मैं बता दूं आपको तो मास हमेशा एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है, मास कभी भी किसी का चेंज नहीं होता, ये फिक्स वैल्यू होती है, ये जीरो नहीं हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। कभी भी जो ये हमारा मास है इसकी जो वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होगी और ना ही नेगेटिव होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट टर्म है हमारा वॉल्यूम आयतन, इसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, मतलब इसका प्रतीक वी है। इसका ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर की क्यूब, और अदर यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर की क्यूब और मिलीमीटर की क्यूब है। ये भी एक अदिश राशि है, मतलब इसके अंदर भी दिशा नहीं होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टेम्परेचर है, तापमान है, इसको टी से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट इसका केल्विन होता है। यहाँ पे ये जो आप ऑरेंजिश कलर में देख रहे हैं ये ऐसा यूनिट है, और ब्लैक वाले जो हैं ये अदर यूनिट्स हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो केल्विन होता है, और जो इसके अदर मात्रक हैं वो हैं डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट। ये भी कैसी राशि है, ये भी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखते हैं चाल, मतलब स्पीड, इसको हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, लार्ज स्केल के लिए हम किलोमीटर पर आवर लेते हैं, लेकिन अगर एसआई यूनिट पूछा जाए तो मीटर पर सेकंड ही होता है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज स्पीड, तो औसत चाल, इसको हम वी लिख के यहाँ पे छोटा सा एवी लिख देते हैं, एवी मतलब एवरेज, तो इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक है ये। मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, किलोमीटर पर आवर लार्ज स्केल के लिए इस्तेमाल किया जाता है औसत चाल के लिए। अगर फॉर्मूले की बात करें तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, औसत चाल कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। ये कैसी राशि है, स्केलर राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को हम वेग कहते हैं, वी से इसको भी डिनोट किया जाता है, मीटर पर सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है, किलोमीटर पर आवर लार्ज स्केल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। यहाँ है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ये फॉन्ट में मिस्टेक हो गया है, डबल एल आ गया है। आप कंपेयर कर, आपको कंपेयर करना है यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही एक तरीके से डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है विद डायरेक्शन, और जो डिस्टेंस होता है ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को लॉन्गेस्ट कहा जाता है और डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट, मतलब कि अगर कोई भी दो जगह है उनमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो लॉन्गेस्ट होगा उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसके साथ डायरेक्शन होता है, तो इसी वजह से हमारा ये वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। तो चाल और वेग दोनों के जो फॉर्मूले हैं लगभग सेम हैं, रिप्रेजेंटेशन भी सेम है, एसआई यूनिट भी सेम है, फॉर्मूले में यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बट एक्चुअल जो इसके अंदर डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड के अंदर वो है डायरेक्शन। स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेलोसिटी को हम औसत वेग कहते हैं, इसको हम सेम वैसे ही डिनोट करते हैं जैसे हम औसत चाल को डिनोट करते हैं,
मतलब प्रतीक इसका सेम ऐसा ही होता है जैसा कि औसत चाल का होता है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और लार्ज स्केल के लिए किलोमीटर पर आवर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो औसत वेग निकालने का फॉर्मूला होता है u+v/2। u जो है यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी होती है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। जब दोनों का सम करके डिवाइड 2 कर देते हैं तो औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है। और ये भी हमारा जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है इसको, इसका प्रतीक स्मॉल ए होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है। फॉर्मूला होता है इसका v-u/t। अब ये v वही है हमारा जो हमने आपको यहाँ बताया, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब अंतिम वेग और ये आरंभ वेग, आरंभिक वेग। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि अंतिम वेग घटा आरंभिक वेग को हम डिवाइड करेंगे समय के साथ तो हमारा त्वरण निकल जाएगा। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। नेक्स्ट अगर बात करें मोमेंटम, तो इसको हम संवेग कहते हैं हिंदी में। पी से इसको डिनोट किया जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है। फॉर्मूला इसका है p/m×v। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो एसआई यूनिट है ये आप इजिली खुद भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपने एसआई यूनिट लिखा है वो ठीक है कि नहीं, अगर आपको कुछ बेसिक एसआई यूनिट पता है तब। जैसे हमारा यहाँ पे है एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? वेलोसिटी। ऊपर है हमारा चेंज इन वेलोसिटी और नीचे है हमारा टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का अगर आपको ये पता है हमारा एसआई मात्रक, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय टी है तो सेकेंड का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही अगर हम मोमेंटम की बात करें, संवेग की बात करें, तो ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान के लिए जो मात्रक होगा वो केजी हो जाएगा। यहां से हमने देखा द्रव्यमान का मात्रक केजी है और ये है वेग, तो वेग का मात्रक हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड लगा दिया। इस तरीके से भी आप समझ के भी अपने फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्स, जिसको हिंदी में बल कहते हैं। यह हमारा एफ, एफ से इसको डिनोट करते हैं। अब इसका एसआई मात्रक न्यूटन भी हो सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि फोर्स मतलब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा और एक्सेलरेशन का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं हिंदी में। जी से इसको हम डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक स्मॉल जी होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अगर इसका इसके फॉर्मूले की बात करें तो जी का जो मान होता है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना होगा, कई बार एग्जाम्स में ये वैल्यू पूछ ली जाती है। तो अच्छा, इस ये जो 9.8 है ये आता कैसे है? ये हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक है, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है एम ई, मतलब कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का मास, और ये अर्थ का रेडियस, अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। तो जब इन सारी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 9.8 आ जाता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये कैलकुलेशन अवेलेबल है, जस्ट आपको इनकी वैल्यूज याद कर लेनी चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल्स को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इनकी वैल्यू को पुट करके और सॉल्व करेंगे तो 9.8 आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है।
वेट जिसको हिंदी में भार कहते हैं, इसको हम डिनोट डब्ल्यू से करते हैं। एसआई यूनिट इसका न्यूटन होता है। फॉर्मूला इसका डब्ल्यू बराबर एम इंटू में जी, मतलब मास इंटू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये एम मतलब द्रव्यमान। ये कैसी राशि है? ये राशि है हमारी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है ये। अच्छा, इस वेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। इट ऑलवेज डिक्रीजेज एज वी मूव बिलो और अबव अर्थ सरफेस, कि ये जो वेट है हमेशा जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो ये हमेशा डिक्रीज होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये जो वैल्यू है जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये कम होने लगती है, और अगर पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो भी ये कम होने लगती है, और मास हमारा कॉन्स्टेंट होता है। तो इस तरीके से कि जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो जो हमारा भार होगा वो कम होने लगेगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर। प्रेशर को दाब कहते हैं, पी से डिनोट किया जाता है इसको। एसआई यूनिट पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। तो ये फोर्स का न्यूटन आ गया और एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है और स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है थ्रस्ट, जिसको हम प्रणोद कहते हैं। ये भी एक फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है ये। इसका एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है, और इसका इसके लिए फॉर्मूला जो है वो सेम है जैसे कि वेट के लिए था हमारा एम इंटू में जी। ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और सदिश राशि है। नेक्स्ट अगर हम देखें डेंसिटी, तो इसको हम घनत्व कहते हैं हिंदी में, और इसको कई जगह कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, कई जगह रो से डिनोट किया जाता है। ये थोड़ा कर्व सा होता है जिसको हम रो कहते हैं, जस्ट लाइक पी होता है। इसका जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर की क्यूब है, और डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अगर हम बात करें वर्क या वर्कडन की, जिसको हिंदी में कार्य कहा जाता है, डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, और इसके एसआई यूनिट है जूल, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर की स्क्वायर, पर सेकेंड की स्क्वायर। फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर फोर्स है, फोर्स का पहले यूनिट आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूटन लिख दिया है, और डिस्टेंस का मीटर हो गया तो न्यूटन मीटर हो गया। अगर फोर्स का अनदर आपको फॉर्मूला लिखना है तो वो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे मीटर का स्क्वायर भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा है, तो ये यहाँ पे जाके मर्ज हो जाएगा। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम देखें एनर्जी, ऊर्जा, कैसी भी एनर्जी होगी उसको हम ई से डिनोट किया जाता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और लार्ज स्केल के लिए हम किलो जूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिखा है क्योंकि एनर्जी के टाइप्स होते हैं बहुत सारे। हमने यहाँ पे टू टाइप्स इंक्लूड किए हैं जो नाइन्थ क्लास की बुक में अवेलेबल हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है। ये कैसी राशि है? ये स्केलर राशि है, अदिश राशि है। पावर,
हिंदी में शक्ति कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू फॉर वॉट, इसका जो एसआई यूनिट है, जूल पर सेकंड भी एसआई यूनिट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब भी इसका एसआई मात्रक है। फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब अगेन अब ये आ गया वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का अभी हमने देखा यहाँ पे एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर की स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे अपॉन टाइम आ गया तो इसलिए यहाँ पे सेकंड का क्यूब हो जाएगा, एक टाइम का जो यूनिट है वो और एड हो जाएगा तो ये क्यूब हो जाएगा। ये भी हमारा जो है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर हम देखते हैं इंपल्स, आवेग। इंपल्स को हिंदी में आवेग कहा जाता है, जे से इसको हम डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट होता है, जे से डिनोट किया, फॉर्मूला होता है एफ इंटू में डीटी। डीटी मतलब कि स्मॉल टाइम, डीटी का मतलब डेल्टा टाइम का मतलब स्मॉल टाइम। और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं वो है टॉर्क, बलाघूर्ण, इस हिंदी में कहते हैं टॉर्क को बलाघूर्ण। इसको टी मतलब टाउ से भी डिनोट किया जाता है, ये टी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं टाउ, एम से भी डिनोट किया जाता है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से भी इसको हम, ये भी इसका एसआई यूनिट होता है, फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू एफ इंटू में डिस्टेंस, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें आपने बहुत सारे फॉर्मूले को, जो कि मेनली हमारे फिजिक्स के चैप्टर से ये रिलेट करते हैं, नाइन्थ क्लास से ये इन सारे फॉर्मूले को मैंने लिया है और समरी क्रिएट किया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।